आईएस बना एक जूता बेचने वाला लड़का, उसके साहस और संघर्ष की कहानी। शिवम की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से हुई, पर काम के सिलसिले में उनके पिताजी को महाराष्ट्र में घर लेना पड़ा। तीन भाई बहनों में सबसे छोटा शिवम और उसकी बहन सैली का स्कूल उनके घर से काफी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, वापस आते शाम के 3 बज जाते थे। शिवम के पिता ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव दहानू रोड पर रहने लगे और वहीं एक छोटी सी दुकान खोल ली। आर्थिक तंगी के दिन थे और शिवम को लगा कि बड़े भाई कृष्णा आईआईटी की तैयारी के लिए घर से दूर है, तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पिताजी की मदद करें। शिवम स्कूल से आने के बाद 4 बजे तक दुकान पहुंच जाता था और रात तक वहीं रहता था। वहीं पर वो समय निकालकर पढ़ाई भी करता था। उस समय शिवम 8वीं कक्षा में था। 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक यानी 5 साल उसने ऐसे ही जीवन जिया। इस वजह से ना उसके कोई दोस्त बने और ना ही वह किसी और काम में अपना मन लगाता था, क्योंकि उसके पास इन सब के लिए समय ही नहीं था। शिवम का 10वीं का रिजल्ट आया और वह बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। सबने सलाह दी थी साइंस चुनो, पर उसे कॉमर्स पसंद था। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गया। वह श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहता था, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। इससे वह काफी हताश हुआ। तब उसके बड़े भाई ने हमेशा की तरह उसे समझाया कि एडमिशन जहाँ मिला है वहाँ अच्छा करो। शिवम ने ऐसा ही किया। इसके बाद उसने दिल्ली के एक कॉलेज में बीकॉम, उसके बाद एमकॉम पूरा किया। इसके बाद वह सिविल सर्विस में आने का मन बनाया। उसके पिता के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ आई थी, उन्हें लगा कि काश उनका बच्चा अफसर बने। उन्होंने एक बार शिवम से यूं ही कह दिया कि तुम कलेक्टर बन जाओ, और इस बात को बेटे ने दिल पर ले लिया। तब से शिवम के मन में आईएएस अफसर बनने की एक तभी इच्छा थी, जिस पर समय आने पर उसने काम करना शुरू किया। उसे सफलता भी मिली और आज उसी कॉलेज से उसके लिए सेमिनार में बोलने का नेता आया। जहाँ कभी उन्हें सेमिनार से बोलने का नेता आया, जहाँ कभी उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था, शिवम के मन में आईएएस अफसर बनने की एक दबी हुई इच्छा थी, जिस पर समय आने पर उसने काम करना शुरू किया। उसे सफलता भी मिली और आज उसी कॉलेज से उसके लिए सेमिनार में बोलने का नेता आया, जहाँ कभी एडमिशन नहीं मिल पा रहा था उसे। शिवम ने सबसे पहली बार 2016 में प्रयास किया, पर प्री भी पास नहीं कर पाया। दूसरे प्रयास में शिवम का सिलेक्शन हो गया, पर रैंक मिली 366। इसके अंतर्गत मिलने वाले पद से वे संतुष्ट नहीं था। उसे इंडियन आर्मी अकाउंट सर्विस में चुना गया था, जहां उसका मन नहीं भरा, इसलिए उसने तीसरी बार 2017 में फिर परीक्षा दी। उस साल भी उसका कहीं चयन नहीं हुआ। इतनी बार हार का सामना करने के बावजूद भी शिवम का हौसला कम नहीं हुआ। दुगनी मेहनत से उसने तैयारी की। इसका परिणाम था कि चौथे प्रयास में शिवम न केवल सभी चरणों से सिलेक्ट हुआ, बल्कि उसने 6वीं रैंक भी हासिल की। शिवम ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और हिम्मत हारने के बजाय डबल जोश के साथ परीक्षा दी। अपने सालों की मेहनत का फल आखिरकार उसे मिला और उसके पिताजी का सपना भी साकार हुआ। शिवम की कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी हार का सामना करना पड़े, तब तक लगे रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।